कि जो पहला नंबर आपने गाया उसके बाद जो आपका दूसरा नंबर जो आप गा करके गए, हाँ, आपने अपने मन में कुछ भी गाया हो लेकिन मेरी समझ में आपने केवल समय पास किया है। अजब हाथ खड़ा करके बताओ सही कह रहा हूं, क्यों समय पास क्यों किया है? क्योंकि आप कह रहे थे कि उसका नाम बताना बाबा साहब के दंगल कम गाते हो, इतिहास पढ़िए, जानकारी नहीं है, आंगनबाड़ी के बच्चे कमाई ये समझ लो पंजीरी खा के गुजारा कर रहे हैं। और मुझे हंसी तो तब आई जब भाभी जी कह रही कि चुम्मा लेके 500 दे दे मऊए दे, चाहे दो बार चुम्मा ले, मतलब जो बहुत बढ़िया है। अरे किसी का मन किसी पे आ गया, अब जो काम जब होना था हो गया, चिंता मत करे, हमारे रामदास भैया दे देती तो समझ ले 1100 दे देते। ये क्या कौन सी रसियाबाजी हो रही है? खैर बढ़िया है, अब थोड़े से सवाल जवाब होंगे और जनता में जो थोड़ी सी उदासी है, इस जनता की उदासी को देख करके इस नंबर का श्रीगणेश होगा। हाँ जी बात नटूरी मां साहब, अभी आपकी पढ़ाई अधूरी है, क्यों? मैंने दोहा दिया था आपको, रतन को वतन को, दूसरों से तो मेहनत कराना जानते हो और खुद केवल समय बिताने की बात करते हो। अब सुनिए दोबारा, सुख झूले में झूले नहीं, के सुख झूले में झूले नहीं, वो करते रहे मलाल, अरे वो करते रहे मलाल, अरे जो एहसान लोग भूले नहीं उन्हें कहते नमक हलाल। निकल नहीं पाए मुझसे, कह रहे थे मैं तो निकल गया, अब फिर फंस रहे हो। देख रल्ला पड़ जाए मन धार धार के, कि कोई रल्ला पड़ जाए मन धार धार के, अरे प्रण पूरन डल्ला है गयो है, अरे प्रण पूरन डल्ला है गयो है, और झल्ला
झल्ला झल्ला रहे तुम हार हार के त्यारो खाली मल्ला है झल्ला रहे तुम हार हार के खाली मल्ला रहे गयो है। अरे पढ़ गए गुरु ने खूब पढ़ाए पढ़ गए या पढ़ गए ससुर ने बाग लगाया साहब का दंगल है थोड़ी सी मर्यादा बनी रहे तो अच्छा है। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया हो कोई ज्यादा बुरी बात ना भैया कह दूं का ना हाथ खड़े करके बताओ कह दूं का हे रही है मस्त जबानी में अरे ज्यादा अंगड़ाई ले रही है ज्यादा अंगड़ाई ले रही है अरे आस कहे गई है जा बाबा पे तुझा खसम कू धोखो दे रही है। और एक बात और कह रही अरे आस कहे गई है बाबा पे तुझा खसम कू धोखो दे रही है। तेने ऐसो रूप सिंगार कियो ना तू मान ये दिल में भे रही है ना तू मान ये दिल में भे रही है। और भैया अगर आनंद आ जाए तो आशीर्वाद आप सभी लोगों का तू मान ना दिल में भे रही है मान ना दिल में भे रही है। और दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद तू ना मान ये दिल में भे रही है अरे तेरी नीचे की तिकोनिया में का है का जो छज्जे पे बाजरो बे रही है। नीचे की तिकोनिया में कहा भयो छज्जे पे बाजरो बे रही है। और एक बात और कह रहे हैं शर्मा जी एक और बालक पैदा है या तो हम का कह रहे हैं जे बालक पैदा भयो मर्यादा में जे बालक पैदा भयो मर्यादा में अरे पनखवारे पे पैदा है गयो अरे पनखवारे पे पैदा है गयो। और शर्मा जी व्यक्तिगत मत लेना है पनखवारे पे पैदा है गयो। और भैया अगर बात सही हो तो आशीर्वाद आपका
जे बालक पैदा भयो मर्यादा में पन खुआरे पे पैदा है गयो ए। अरे द्वापर को करण अपनी अम्मा के कुआरे पे पैदा है गयो ए। बेटा दिनेश, जब उधर से लाइन बदल गई थी तो तुम्हें भी लाइन बदल देनी थी। नीचे ते पसीना दे जाएगी। क्यों यार बेकार भी ढूंढ रहे हो यार। जे कितनी रानी बानी है अब से का हसीना से जाएगी। देख ऐसे के कायदा में कहो, कायदा में कहो क्या कह रहे थे? बालक पैदा है जाएगो। अब मैं बताऊं नौजवान साथियों ध्यान देना, देख क्या एक तो पैदा मस्ती में भयो पर ये दलित समाज चले वो ज्ञान दिया था बाबा ने। जिस पर ये दलित समाज चले वो ज्ञान दिया था बाबा ने। अरे वो ज्ञान दिया था बाबा ने। और हकीकत हो तो आशीर्वाद चाहूंगा, वो ज्ञान दिया था बाबा ने। अरे अंधविश्वास और पाखंड को आकर खत्म किया था बाबा। अरे अंधविश्वास और पाखंड को आकर खत्म किया था बाबा ने। अरे पूछ क्या लगो रहो तू कुल घातन में। अरे लगो रहो तू कुल घातन में, लगे रहो तू कुल घातन में। लगो रहो तू कुल घातन में, पाप कौन सो तेरो है। अरे लगो रहो तू कुल घातन में, पाप कौन सो तेरो है। लगो रहो तू कुल घातन में, पाप कौन सो तेरो है। अरे लगो रहो तू कुल घातन में, पाप कौन सो तेरो है। और मेरा पूछना है, और इससे बढ़िया बात नहीं है और इससे बुरी भी बात नहीं है। अक्सर रसिया वाले बुरा मान जाते हैं, और मान जाए तो मान जाए। देख अरे लगो रहो तू कुल घातन में, पाप कौन सो तेरो है। और ताली में चाहूंगा उतनी जोरदार, पाप कौन सो तेरो है। और हमें बताए दे इन सातन में, हमें बताए दे इन सातन में, पाप कौन सो तेरो है। हमें बताए दे इन सातन में, पाप कौन सो तेरो है।
बिचारे लगो रहो तू इन बातन में पाप कौन सो तेरो है अरे पाप कौन रे लगो रहो तू इन बातन में पाप कौन सो तेरो है वो ऐसा लग रहा है मिल गए का भाभी मिल गए थी के 500 है मिल गए इतनी स्थिति बिगड़ गई है या लॉकडाउन के चक्कर में है यहां तक तैयार है कि मेरे दो उलंग ले लो पर मोए 500 दे दे मंदिर में जाके अब तेरे जकेरी नीचे तो पसीना दे जाएगी मंदिर में जाके अब तेरे प्रसाद बाट के देखो और प्रसाद बाट के देखो जब नीचे तो पसीना दे गई है चाट के देखो लल्लू हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं बात दुकान के सामान है मई रहन दे जा दुकान के हिसाब से चले अब देख अरे हमें बताइयो भैया आनंद आ रहा है ना आ रहा ना का हाथ खड़ा करके बताओ आ रहा है अरे कोई मजाक थोड़ी है बाबा साहब के रसिया चल रहे हैं और क्या अरे हमें बताइयो इन सातन में पाप कौन सो तेरो है हमें बताइयो इन सातन में पाप कौन सो तेरो है और पूछना क्या है जब सात ऋषि हैं और बताया जाता है कौन सप्त ऋषियों की संतान है अंगद तो एक शंका और हुई वो संख्या क्या हुई यार रसियों के खलीफा हमारे उस्ताद बैठे और ये इनके संरक्षण में रसिया दंगल चल रहा है अपनी कलाकारी का नमूना करण भैया के नंबर पे इन्होंने दिखाया था तो क्या कहा अरे मान दियो सम्मान दियो है तो मन को मनोरथ मन गयो है और विचार करने की बात है कहते हैं बानर मन को मनोरथ मन गयो है जन्म दयो तो ये मंदोदरी ने तो बानर कैसे बन गयो है जन्म दयो तो ये मंदोदरी ने तो बानर कैसे बन गयो है अरे अम्मा ते पूछ बातई बातन में अरे अम्मा ते पूछ बातन बातन में अम्मा ते पूछ बात ही बात न में अरे चुपचाप कौन सो तेरो है चुपचाप कौन सो तेरो है और हमें बता दे इन सातन में पाप कौन सो तेरो है बढ़ुआ का जवाब आपने कह दिया कि ये बढ़ुआ आए हैं मैंने कहा था तीन भाड़ आए आपने कह दिया बढ़ुआ आए वाह अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं हां साहब कह रही है अरे देख खाए के लड़ुआ बोलो खाए के लड़ुआ और चले गए वो भड़ुआ चलो खाए के लड़ुआ और चले गए जे भड़ुआ वो मन में जो मन में स्याय के आए हैं अरे जो मन में स्याय के आए और बात बाबा साहब की ओ छंद भी आगे बढ़े सनवाइज बढ़े अरे वो मन में स्याय के आए हैं और अब फिर तालियां चाहूंगा अरे वो मन में स्याय के आए हैं 1906 में पहनाए के खड़ुआ रमाबाई को ब्याह के आए हैं 1906 में किसी को
को बौद्ध बनाना है, किसी को काशी राम बनाना है। बहुत बढ़िया आपकी सोच है मां साहब, भला किसी का कर ले सको, जवाब की कोशिश देंगे। नरेश भैया ये कार्यक्रम आप कल से सुनेंगे, नरेश स्टूडियो जट्टारी वालों की ओर से सको तो, अरे बुरा किसी का मत करना। कह रहे थे कि हमें किसी को बौद्ध बनाना है तो किसी को काशीराम बनाना है। क्या दलित ए दलित पिछड़ा के मसीहा, ये दलित पिछड़ा के मसीहा, काशीराम बनाना है। करण भाई मेरा मानना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं वो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। बच्चे के लिए हम संस्कार अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, लेकिन एक बात और है, वो बात क्या है, ना तन मन से कमजोर, अरे आसमान से ही आते हैं चिते चिताए, अरे आसमान से ही आते हैं वो चिते चिताए। अब ये लोग जो हमारा परिवार है, हमारा घर है, आखिर वहां पे काशीराम बाबा साहब पैदा कैसे होंगे, कैसे उस संस्कार में ढलेंगे, तो उसके लिए अरे रूढ़ बाधता, अरे रूढ़ बाधता पाखंडों का, रूढ़ बाधता पाखंडों का, रूढ़ बाधता पाखंडों का, नहीं गुलाम बनाना है, रूढ़ बाधता पाखंडों का, नहीं गुलाम बनाना है। और आप सबकी भी जिम्मेदारी है, और जवाब हो जाए तो सभी बुजुर्ग लोग समझदार लोग बैठे हैं, तालियों का प्यार चाहूंगा। अरे रूढ़ बाधता पाखंडों का, नहीं गुलाम बनाना है, अरे हम सबको अपना अपना घर बौद्ध का धाम बनाना है, हम सबको अपना अपना घर बौद्ध का धाम बनाना है। कोशिश है आपके गीत का जवाब हो जाए क्या, अरे रूढ़ बाध और पाखंडों का नहीं गुलाम बनाना है, हम सबको अपना अपना घर बौद्ध का धाम बनाना है। अब और क्या बनाना है, अरे शिक्षा देने वाली नारी, अरे शिक्षा देने वाली नारी, शिक्षा देने वाली नारी, आजा प्रथम अध्यापिका जिन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया, वो शिक्षा देने वाली नारी जिनके विचार खुले चाहिए, शिक्षा देने वाली नारी जिनके विचार खुले चाहिए, शिक्षा देने वाली नारी जिनके विचार खुले चाहिए। और अगर आप लोग उस नाम से परिचित होंगे
तो आपकी तालियां स्वयं बजेंगी। कौन है वो शिक्षा देने वाली नारी? अरे उनके विचार खुले चाहिए, आगे बढ़ा गई हमें पढ़ा गई वो सावित्री बाई फुले चाहिए, पढ़ा गई हमें पढ़ा गई वो सावित्री बाई फुले चाहिए। और सावित्री बाई की मदद करने वाला, अरे ज्योतिबा राम, ज्योतिबा राम फुले जैसा, ज्योतिबा राम फुले जैसा, अरे ज्योतिबा राम फुले जैसा। एक सुंदर नाम बनाना है, ज्योतिबा राम फुले जैसा, एक सुंदर नाम बनाना है। ऐसा जवाब में आनंद आया या नहीं आया? अरे ज्योतिबा राम फुले जैसा एक सुंदर नाम बनाना है, रूढ़वाद और पाखंडों का नहीं गुलाम बनाना है। हम सबको अपना अपना घर बौद्ध का धाम बनाना है, हम सबको अपना अपना घर बौद्ध का धाम बनाना है। बात पे राजी है जइयो, अरे शर्मा करन तुम पे छंद बढ़ोना है, अरे जा बात पे राजी है जइयो। अरे कटो कटायो, कटो कटायो जे नीचे पड़ो है जाए धर कंधा पे, रसिया का लड़ता हुआ जवाब, और उसके बाद एक फिर वीआईपी गीत आप लोगों के बीच रखूंगा। आइए, एक सूचना है, वैष्णो देवी नगरकोट जाने वाले भाई, 20 मई विजयगढ़ से जाएगी बस द्वारा सभी जगह होती हुई वापस आएगी, संपर्क करें नेमपाल सिंह ठेकेदार विजयगढ़ वाले, जिस किसी को वैष्णो देवी जाना है 20 मई को वो ठेकेदार जी से संपर्क कर सकता है। किल्लारी बड़े धर्राटे काट रही है, बेली तांगे वाले भैया एक धुन नहीं निकल के आई है, मेरी सुन ले, तेरी जान कसम बड़ा लंबा लंबा री मैडम लंबा, परोरे में तो कन्ना लाई रे, अल बेली तांगे वाले क्यों, तेरी जान कसम बड़ा मोटा मोटारी मोडम मोटा, अरे मैं तो केला लाई रे, अब रहने उन्हें दल्ले चुपचाप केलन ने, तेरे जान कसम अच्छे अच्छे ने के केला फ्रीज में पहुंच जाते कहे तो कऊ काम के ना रहते, तेरी जान कसम बड़े चिपके चिपके री मैडम चिपके, अरे रे रसगुल्ला लाई रे, अलवेले तांगे वाले।
छरो उछरो है हम सोतेने है गए दर्शन है गए उद्धार है गो क्या बात है रिंकू भैया हेयर सेल भैया जोरदार ताली बजा दी हूँ भैया निकल रहे ऐसो कर लल्लू हामिद हेयर सैलून वालों की ओर से अरे ऐसो कर लल्लू हामिद भैया पल्ले मंदिर पे उतरिया 10 रुपया मऊ दरिया भैया पल्ले मंदिर पे 10 रुपया धरिया नहीं तो वो लड़ेगी आए के फिर पल्ला कर दे अरे उछरो उछरो है बेकार में तू अनायास प्रसाद सोते ने कैसे मानने का लोग थूक रहे हैं क्यों अरे ऊक रहे चाहे थूक रहे हैं ऊक रहे चाहे थूक रहे हैं पर सब कह कह के नाटे और अच्छे अच्छे देश जाए के भाई के तरवा चाहते चक्कर में फंस के जा यूक्रेन की मट्टी ख्वार भई है मट्टी ख्वार भई है मट्टी ख्वार भई है रे भैया मट्टी ख्वार भई है चक्कर में फंस के जा यूक्रेन की अरे छंद लड़ो प्यारो गीत लड़ो है अरे जो ज्यादा मन बसिया कलम में ताकत रखो तो लाओ फिर से लड़ाई के रसिया अरे फिर से लड़ाई के रसिया भैया फिर से लड़ाई के रसिया ज्यादा कलम में जरूरत हुए तो फिर से लड़ाओ रसिया अरे खुल गए प्रसाद सोते ने बात आइए सुबह का वक्त हो गया है और सुबह के वक्त में एक गीत आप लोगों के बीच रख रहा हूं शायद आप लोगों को अच्छा लग जाए मासा जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग
जैसा भी टूटा फूटा हमसे बना, मनोरंजन की कोशिश हुई, बाबा भीम के गुणगान की कोशिश हुई, क्योंकि रसियाबाजी के जानकार लोग यहां बैठे हैं। एक गीत अपनी ओर से रख रहा हूं, गाया है सुबह का बेटा, ए लाला पूरी रात आनंद तुमने लिया है, लेकिन पांच मिनट सात मिनट एक गीत शायद आपको कुछ अच्छा लग जाए। लोग रसिया सुनने आते हैं केवल अटके फटके के लिए, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, आज सबसे ज्यादा फटका गाने वाली सुनीता शर्मा का कहीं नाम नहीं है, और आज भी लोग याद करते हैं गुरु बीदा बाबू, गुरु चंदो लाला, सत्तो शर्मा, ब्रजेंद्र शर्मा, बी के मधुआ राया, क्योंकि इन लोगों ने गाया बजाया तो कुछ न कुछ जनता को देने की बात कही। वक्त सुबह का हो गया, हृदय करो तैयार, दोनों हाथ उठाकर बोलो बुद्ध भगवान की जय जय, दोनों हाथ उठाकर बोलो बुद्ध भगवान की जय जयकार। दुनिया में हम मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, या जहां मन है वैष्णो देवी जाएं, लेकिन मेरा मानना है इस धरती के सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े भगवान हमारे घर पर स्वयं मौजूद हैं। मेरा दावा है इस धरती पर माता पिता से बड़ा भगवान न हुआ न कभी हो सकता है। शास्त्र भी बताते हैं मोर पे कार्तिकेय चले, चूहे पे गणेश चले, संसार की परिक्रमा की बात हुई, लेकिन मोर पे कार्तिकेय संसार के चक्कर में पड़ गए, गणेश ने गौरा शंकर को बिठाया, परिक्रमा लगाई, और जब निर्णय हुआ तो देवी देवताओं ने संतों ने निर्णय दिया, चारों धाम सारे तीर्थ सारे पुण्य एक पलड़े में रख दिए जाएं, और एक पलड़े में अगर माता पिता के चरणों की धूल रख दी जाए तो वो सारे पुण्य सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन आज दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, किस किस के जोड़े हाथ वक्त पे न देंगे साथ, अपनों की झूठी फरियाद किस काम, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, पीठ पीछे घात करे मीठी मीठी बात करे, नहीं। तब कहा मां तड़प रही जगरातों में, और करिए सभी पढ़े लिखे लोग बैठे, बस बेटा जी ज्यादा प्यार मत लुटावे, मां तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं, हम जगराता करवाते हैं,
जिंदगी में ना सुधर सकते ही तुम लोग। बैठ जा भाई बैठ जा। मां तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। मां तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर मां के तन पे वस्त्र नहीं, हम चुंदरी रोज चढ़ाते। घर मां के तन पर वस्त्र नहीं, हम चुंदरी रोज चढ़ाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, दिया रे मन है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें आप। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेकर आते हैं। और अब आप एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा, अगर बात हकीकत हो। कांवर लेकर आते हैं, घर पे मैया भूखी बैठी, हम 56 भोग लगाते। घर पर मैया भूखी बैठी, हम 56 भोग लगाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया बाबा भी, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया बाबा भी मुने। जो माँ हमारे लिए जीती है, हर दंगल में कहता हूं कि बाबा भीम से ज्यादा महान इस दुनिया में कोई हुआ, तो सुनने वाले जवाब देते हैं कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाबा भीम से ज्यादा महान कोई हुआ? हाथ खड़ा करके बताओ, हुआ? लेकिन मैं कहता हूं हुआ। एक नाम है जो बाबा भीम से ज्यादा भी महानता की श्रेणी में आता है, अब वो नाम क्या है सुनिए, फैसला आप लोग करना। कि जमाने के लिए इस भारत में ये नीम कहां से आ जाते। माँ भीमा बाई नहीं होती तो बाबा भीम कहां से आते। माँ भीमा बाई नहीं होती तो बाबा भीम कहां से आ जाते। अगर वो माँ नहीं होती तो हम लोग बाबा भीम को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी माँ भीमा बाई का भी नाम हमें लेना चाहिए। क्यों? जब भी जी चाहे चाहती है। आदरणीय अंकल जी, हम लोग क्या करते हैं इस जमाने में जुल्म हद पे तुला देते हैं लोग। इस जमाने में जुल्म हद पे तुला देते हैं लोग। इस जमाने में जुल्म हद पे तुला देते हैं लोग। मां की ममता एक पल में भुला देते हैं। माँ की ममता को एक पल में भुला देते हैं। बेटा मेरा निवेदन है,
जा बेटा। देखिए ये गीत उस टाइप का नहीं है, पुरस्कार दे रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन अगर गीत आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां आप लोगों की अवश्य चाहूंगा। इस जमाने में जुल्म हद पे बुला देते हैं लोग, माँ की ममता तो एक पल में भुला देते हैं लोग। अब कैसी माँ को भुला देते हैं, बाहों के पल्ले में झूला झुलाया है, पीले में सोई हमें सूखे में सुला, गीले में सोई हमें सूखे में सुलाया है, गर्भ नौ मास रखे नहीं घबराई माँ, गर्भ नौ मास, गर्भ नौ मास रखे नहीं घबराई माँ, जन्म दे करके हमें धरती पे लाई, सिसक ने के लिए कांटों पे सुला देते हैं लोग, सिसक ने के लिए कांटों पे सुला देते हैं लोग, माँ की ममता को एक पल में भुला। को रोने न दिया दर्द खुद सहती रही हमको रोने न दिया, कौन देखेगा भला जख्म ये ताजा है, आज उस माँ के लिए बंद दरवाजा, आज उस माँ के लिए बंद दरवाजा है, अरे भूखी और भूखी और प्यासी को दर दर पे दुला देते हैं लोग, माँ की ममता को एक पल में भुला देते हैं लोग, माँ की ममता को एक पल में भुला देते हैं लोग, पूछते दर्द माँ का न ऐसे हम निकले, कलेजा चीर देखा तो कितने गम निकले, माँ बाप से हम कभी भी पूछ रहे हैं, अगर एक बार केवल इतना पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो तो हजार गम हो फिर भी माता पिता की आवाज आती है बेटा हम ठीक हैं, लेकिन न जाने क्या हुआ, एक सच्ची घटना हर जगह मैं गाता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा, बुलंदशहर के पास की घटना, पढ़ लिख करके एक बेटा बहुत बड़ी नौकरी पे पहुंच गया, 10,000 रुपए बूढ़े माँ बाप के खाते में डालता है, कभी कभी फोन करता है, धीरे धीरे वो फोन आना बंद हो गया, बीमार माँ अस्पताल में पड़ी है, समाज के लोगों ने फोन किया, अरे दुष्ट कम से कम माँ को देखने तो आ जा, समाज के डर से वो दुष्ट बेटा आया अस्पताल जाकर के, कह रहा है उस माँ से क्यों मुझे परेशान करते हो, 10,000 नहीं 20,000 लो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, माँ का गला रुक गया, माँ की आवाज साफ नहीं निकल रही, वो दुष्ट बेटा कहता है कि ये क्या बोल रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाप ने जो जवाब दिया कलेजा थाम करके सुनना, बाप ने कहा अरे पापी आज इस माँ की आवाज तेरी समझ में नहीं आ रही, ये क्या बोल रही है, जब तू छोटा सा था तेरे रोने में ये माँ समझ लेती थी तुझे भूख लगी है कि प्यास लगी है, आज इस माँ की आवाज तू नहीं समझ रहा, ये माँ तेरे 10,000 20,000 नहीं मांग रही, ये माँ कह रही है केवल एक बार माँ कह करके आवाज दे दे इस माँ का दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन हम
लोग भूल गए, भूल गए वो चीजें, केवल याद रह गया ये स्वार्थ, केवल याद रह गया अपना मतलब। तब कहा पूछते दर्द मात न ऐसे हम निकले कलेजा चीर देखा तो कितने गम निकले, कलेजा चीर देखा तो कितने गम निकले, किसने भगवान देखा बड़ा मासे ना कोई, किसने भगवान देखा बड़ा मासे ना कोई, खिलौना कोई टूटा माँ हमसे ज्यादा रोई, खिलौना कोई टूटा माँ हमसे ज्यादा रोई, उसे कम देकर भर के आंसू रुला देते हैं लोग, उसे कम देकर भर के आंसू रुला देते हैं लोग। और समय देखते हुए आखिरी बंद कह रहा हूं, फिर नंबर होगा आदरणीय करण शर्मा जी का। कहा नाम सबसे ऊपर दर्ज है माँ तेरा, चुका ना पाऊंगा मैं जो कर्ज है माँ तेरा, चुका ना पाऊंगा मैं कर्ज है माँ तेरा, लेख लिख ला ला के शब्द वर्णों चरणों में रहूं, आसरा पीर सदा माँ के चरणों में रहूं, बन के खुद कर्ज गम के झूले झुला देते हैं लोग, बन के खुद कर्ज गम के झूले झुला देते हैं लोग, उसे गम देकर भर के आंसू रुला देते हैं लोग, सिसकने के बहुत बहुत।